मार्वल पिछले 2.5 सालों में 10 वेब सीरीज बना चुका है, जिसमें सिर्फ एक है जिसकी तुम दिल खोल करके तारीफ कर सकते हो, और वो है लोकी। आई नो मून नाइट भी काफी ज्यादा अच्छा था, बट लोकी जितना बिल्कुल भी नहीं था। तो आज फाइनल एपिसोड आ चुका है लोकी सीजन 2 का, तो चलो बात करते हैं वो सीजन कैसा रहा। मार्वल की तरफ से फ्यूचर में जो सबसे बड़े वाले मूवीज आने वाले हैं इन्फिनिटी वार, एंडगेम टाइप्स, उसमें टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एंड लोकी के ये जो दोनों सीजन है वो पूरी तरह से टाइम ट्रेवल, सेक्रेट टाइमलाइन, टाइम स्लिपिंग, इन सब के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है इन दोनों सीजन में। एंड स्पेशली सीजन 2 के जो लास्ट के 3 एपिसोड्स थे, भाई टोटली फट जाएगा दिमाग। मतलब इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, इस तरह से उनको डिजाइन किया गया, इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, ऐसे मोमेंट पे एपिसोड्स खत्म हो रहे हैं, भाई नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करना मुश्किल हो जा रहा था। एंड भाई इसका लास्ट एपिसोड जो एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू मार्वल फैंस ही समझ सकते हैं। लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ, जिसको किसी की नहीं पड़ी है, वो पूरी तरह से सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। एस्गार्ड की गद्दी पाने के लिए वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार था। वो इतना सेल्फ सब कुछ त्याग कर देता है एंड पूरी दुनिया को बचा लेता है। उसके चेहरे पर आप एक्सप्रेशंस देख सकते हो, वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आंसू आ गए हैं भाई उसके, कंट्रोल कर रहा है उस लेवल पर जाकर के अपने आप को सैक्रिफाइस तो नहीं कहना सही होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया से अलग जाकर के बैठ गया है। और भाई इस सीजन में जिस तरह से लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है ना यार, मजा आ जाता है देख करके। जिस तरह से वो दिन प्रतिदिन पहले से ज्यादा मैच्योर होते जा रहा है, पहले से ज्यादा समझदार होते जा रहा है, एंड इसी के साथ उसके पावर्स भी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। पहले वो टाइम ट्रेवल स्टार्ट करता है, फिर वो टाइम को रोक भी दे रहा है। भाई इसको बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। मार्वल अपने खुद के काम से सीखो, ये क्या है, ये 1.5 घंटे की मूवी बनाई है तुम लोगों ने, उसमें भी कुछ सर पैर नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा खतरा भी दिखाई दे रहा है। लोकी सीजन 1 में ही ह्यूरिमेंस ने बोला था कि अगर वो मर गया तो कैंग के सारे वेरिएंट्स आजाद हो जाएंगे, जो कि उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद मल्टीवर्सल वार होगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सीजन 1 में भले ही ह्यूरिमेंस मर गया था, बट एक्चुअल में वो मरा नहीं था, क्योंकि चीजें लूप में चल रही थी, तो वो भले ही मर गया हो लेकिन वो फिर भी जिंदा था। लेकिन फाइनली अब जाकर के वो एक्चुअल में मर गया है, तो अब तो कैंग के सारे वेरिएंट्स आजाद हो गए हैं। एंड भले ही टीवी उनको चुन चुन कर ब्लूम कर रहा है, लेकिन भाई हम लोगों ने काउंसिल ऑफ कैंग देखा है एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट में, तो भाई मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मार्वल की अपकमिंग मूवीज के लिए, काउंसिल ऑफ कैंग के लिए, एंड जो कुछ भी मल्टीवर्सल वॉर वगैरह होने वाला है उन सारी चीजों के लिए। तो देखो तुम्हारे लिए कंक्लूजन ये है कि अगर तुमको मार्वल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो लोकी सीजन 2 को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि ये मार्वल की अभी तक की बेस्ट सीरीज है। एंड वैसे भी वो एज ए स्टैंड अलोन तो तुमको एंटरटेन करते ही है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट दिखाए गए हैं, जो चीजें आपको समझाई गई हैं, वो सब आगे की मार्वल की मूवीज में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो उन सारी चीजों को आप समझ सको इसके लिए इसको देखना जरूरी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली तुमको देखना ही पड़ेगा। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, मिलते जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।